हेलो एंड वेलकम टू बट्टा पाथ। मैं हूं अमर नकवी और मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन। और कुछ अरसे के बाद हम आपकी स्क्रीन पे वापस आ रहे हैं, और वो भी मजबूरी के तहत, क्योंकि गुफ्तगू करने के लिए बहुत कम मौजू हैं अभी। पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ खास हो नहीं रहा था। पिछली दफा हमने फैसला किया था कि यार सिर्फ एनओसीज वाली कहानी है तो उसको जाने देते हैं, मगर अब तो एनओसी भी वाज लाइक द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड, नथिंग्स हैपेंड सिंस। तो हमारी कोशिश है कि छोटी 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 बहुत सारी कहानियों को लेके एक एपिसोड निकाल सके। उस्मान, यू पुट टुगेदर ऑल दोज स्टोरीज, सो व्हाई डोंट यू? या बेसिकली द लिस्ट ऑफ थिंग्स, इट्स यू नो द बेसिक प्रेमिस इज कि ये जो सीजन शुरू होने वाला है फ्रॉम द एंड ऑफ दिस मंथ when Pakistan take on Bangladesh at home, it's, I think, one of the busiest seasons that I can remember for Pakistan in like recent history. So, shuru hoga Bangladesh ke khilaf do test matches hain, England ke khilaf teen test matches at home, then they fly to South Africa for two tests across Christmas and New Year's, then they come back, do test hain West Indies ke khilaf, फिर ओडीआई ट्राई सीरीज है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि पता नहीं होगी या ना होगी पाकिस्तान में, कुछ उसका पाकिस्तान में हिस्सा होगा आई एम श्योर। उसके बाद से पीएसएल है रमजान के दौरान, और फिर पाकिस्तान जाता है न्यूजीलैंड 8 वाइट बॉल मैचेस के, 8 गिन लो, 8 वाइट बॉल मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिनके खिलाफ उन्होंने पिछले साल में, पिछले 4-5 साल में तकरीबन कोई 1.5 लाख मैचेस खेले हैं आई थिंक। न्यूजीलैंड की ए से लेकर जी टीम तक हर टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं, तो उनके साथ 8 मैच की सीरीज है। और इसके साथ पता नहीं कितने और, आई थिंक 3 और डोमेस्टिक टूर्नामेंट ऐड हो चुके हैं आपके डोमेस्टिक कैलेंडर में। तो आपकी यानी कायद आजम ट्रॉफी भी है, उसके साथ एक शेडो चैंपियंस कायद आजम ट्रॉफी आ चुकी है, नेशनल T20 है, उसके साथ एक और शेडो नेशनल चैंपियंस T20 टूर्नामेंट है, वनडे कप एक है, और जो PSL है उसे फुल यानी PCB तबाह करने की कोशिश कर रहा है कि यार ये हमारा तो नहीं है, ये तो कोई बहुत ही बकवास किस्म का वो है, तो हम जितने भी और T20 टूर्नामेंट्स PSL के ऊपर डाल के उसका कैनिबलाइजेशन करते हैं वो करेंगे हम। और यू नो इतना जब लंबा सीजन होता है पाकिस्तान का, इतना बिजी होता है, तो आपको पता है कि जहां से आप शुरू कर रहे हैं, जिस पर्सनल के साथ शुरू कर रहे हैं, उस पर्सनल के साथ आप कभी खत्म नहीं करेंगे इतना जो लंबा सीजन होगा। तो हम लोग शुरू करें जैसे अभी, एंड आई गेस दिस इज द फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट, हम लोग शुरू कर रहे हैं शान मसूद के साथ एज टेस्ट कैप्टन, बिकॉज दे हैवंट चेंज्ड एनीथिंग। बांग्लादेश के खिलाफ आई वुड से आपको घर पे प्रीटी मच 9.9 टाइम्स आउट ऑफ 10 आपको जीत जाना चाहिए। बांग्लादेश की टेस्ट टीम स्पेशली अभी तक इतने साल बाद एक बेसिकली होम टेस्ट टीम है, वो बाहर जब ट्रैवल करते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, अभी भी उनके पास वो प्लेयर्स नहीं हैं, नहीं आए हैं जो उन्हें एक टेस्ट फोर्स बना सकें। यू शुड विन एट होम 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश, बट यू नो द थिंग दैट आई विल बी लुकिंग आउट फॉर, एटलीस्ट एक तो शान मसूद की कैप्टनसी और एक नसीम शाह की वापसी टेस्ट मैचेस में। नसीम शाह का तो मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम उस टेस्ट मैचेस कब खेले हैं, आई थिंक पिछले साल खेले थे श्रीलंका में, उसके बाद से उसकी इंजरी रही है तो उसने एक भी नहीं खेला है। शान मसूद की कैप्टनसी पे अहमद शुरू इस उससे करते हैं कि आई डोंट नो अगर तुमने देखा या नहीं, मजहर अरशद ने इंटरव्यू करा था आमिर जमाल का, और उस इंटरव्यू में आमिर जमाल बहुत ही एक्सीडेंटली बहुत ही फ्रैंक हो गए। मजहर अरशद ने उन्हें एक ग्रेनेड लॉब करा कि आप बताएं कि बाबर और शान की कप्तानी में, ये नहीं बोला कि कौन बेहतर है, मगर ये बोला कि फर्क क्या है कैप्टनसी में, आप दोनों के साथ खेल चुके हैं तो आप फर्क थोड़ा सा बता दें। तो ये उन्होंने ग्रेनेड एक ऐसे लॉब करा तो आमिर जमाल ने उसकी पिन उतारी और वहीं पर मुंह में डाल दिया कि अच्छा अब मैं जवाब देता हूँ आपको, और उसने बोल दिया कि देखे ऐसे तो कोई इतना नहीं है, मगर मैं इतना ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि एक अच्छा है एक खराब है, लेकिन शान भाई जो है ना उनकी कैप्टनसी थोड़ी सी अग्रेसिव है और बाबर भाई जो है ना उनकी थोड़ी सी डिफेंसिव है कैप्टनसी, सीधा सीधा बोल दिया। कहा कि जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, अगर प्रेशर होता है ना पाकिस्तान के ऊपर तो बाबर की कैप्टनसी, बाबर अगर होंगे ना बॉबी भाई थोड़ा सा अंदर हो जाएंगे और थोड़ा सा पीछे हट के खेलेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं संभालो संभालो, अभी ये नहीं करना है वो नहीं करना है,
लेकिन अगर शान की टीम थोड़ी सी क्राइसिस में होती है तो शान कहते हैं यार वो एक पंच मार रहे हैं तो हम उन्हें वापस दो पंच मारते हैं, काउंटर पंच करते हैं। तो यही एक यानी सवाल मजहर ने जिस तरह से जिस प्यार से करा था ये सवाल, फुली वो कोशिश कर रहा था कि यार आप इस ग्रेनेड को मुझे वापस फेंक दो, यानी मैंने आपको फेंका ना आप मुझे पिन के साथ वापस फेंक दो, मैं अपने आपको फाड़ दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आमिर जमाल ने माशाल्लाह बहुत ही भोलेपन से निकाली पिन, मुंह में डाला, बूम एक्सप्लोजन। सो बेसिकली बॉबी इज क्रैप एज अ कैप्टन एंड डिफेंसिव एंड शान इज माइक ब्रेडी प्लस मेबी 2-3 रन एज अ टेस्ट एवरेज। आई मीन आई थिंक एक बात तो मैं ये करूंगा पहली के आमिर जमाल ने सिर्फ ये कहा कि वो कहता है कि संभालो और शान मसूद कहता है अटैक करो। आई थिंक जेन्युइनली स्पीकिंग पाकिस्तान में भी एक सिग्निफिकेंट तबका है खास तौर पे एक्स प्लेयर्स का जो ये एग्जैक्ट जुमले सुन के कहेंगे कि देखा बाबर बेहतर कप्तान है, हम क्या कह रहे थे कि आई डोंट थिंक दे बी लाइक ये देखा शान मसूद को चाहता नहीं है अटैक करो, टेस्ट मैच ऐसे खेलते हैं, टेस्ट मैच में बचाना होता है और ये क्रिकेट गेम ऑफ चांस है और ये है और वो है। तो वो आई फील के या मे बी फॉर पीपल लाइक यू एंड मी दिस माइट बी अ कंडेमनेशन क्योंकि हमारी नजर में कप्तानी को एक तरीके से होना चाहिए ब्ला ब्ला, बट आई मीन यू नो बट आई थिंक द ओनली तबका दैट मैटर्स इज लाइक द टू कैप्टन्स राइट, और बाबर इज नॉट गोइंग टू आई थिंक रिएक्ट, ऑल्दो यू नो बाबर इज वाइट बॉल कैप्टन, आमिर जमाल वाइट बॉल नहीं खेलता है अभी, यानी पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल वो अभी तो नहीं खेल रहा है आमिर जमाल, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आई डोंट थिंक बाबर मतलब कि मे बी यू नो डिपेंडिंग अगर उसको इस पे माइंड होना है तो वो किसी चीज पे भी हो सकता है, मगर जहां तक उसकी अपनी भी सोच है ऑन द रेकॉर्ड एज वेल तो वो यही इसी किस्म की बातें करता ना कि आपको गेम में उसे हमें संभालना चाहिए था या उस वक्त हमें विकेट बचानी चाहिए थी या हमारा स्ट्रोक कम था बहुत, तो इट्स नॉट लाइक दिस इज Babar's coming out and saying I want to be attacking but then is exposed by Amir Jamal, like this is I think usi tarike se Babar has played his cricket or you know you had started off by talking about this crazy itinerary that Pakistan has aur usme do cheeze mujhe wazeh ho rahi hain ki I think England ke alawa you know all of these are like the N minus one teams ना कि जो जिनके पास बेसिकली बिग थ्री में नहीं है, और मेरे ख्याल में मतलब न्यूजीलैंड से आप इतना ही खेल रहे हैं क्योंकि आपसे कोई खेलने को तैयार नहीं है सिवाय वही चार पांच गरीब टीमों के, और न्यूजीलैंड भी उसी में शिकार है। सो आई थिंक दैट्स यू गोना सी अ लॉट मोर ऑफ दैट आई एम श्योर राइट, लाइक वी हैड दोज इयर्स वी वर प्लेइंग श्रीलंका अ लॉट इन द यूएई। मगर फिर तो बड़ी टीम कौन है, इंडिया तो नहीं आ गई आपको मालूम है, तो ऑस्ट्रेलिया ही है सिर्फ, कहीं भी नहीं आती मतलब अब यहाँ पे हम लोग के रिसेंटली ऑब्वियसली आई है ये वो, बट माय पॉइंट वाज कि द रीजन वी प्ले न्यूजीलैंड इतना रेगुलरली इज के यू नो इट्स दैट्स हाउ आई थिंक दैट्स हाउ द फ्यूचर इज ऑलरेडी शेपिंग अप टू बी राइट, कि यही ये जो रेस्ट ऑफ द 6-7 टीम्स हैं वो जहाँ एक दूसरे से खेल सकती हैं वो खेलती रहेंगी, मगर यू नो दिस नॉट गोइंग टू बी लाइक एनी स्केड्यूल फॉर एनीथिंग more regular which is why we'll see a lot of tests mujhe aur usse matlab I think confusion ye bhi hai ke do I want to get excited about these test matches because I think again other than the England one thoda sa banana peel situation hai ke agar aap ye matches jeette hain to hai ke ha yaar Bangladesh aur West Indies ko ghar pe hara ke kya teer maar diya ya New Zealand ki team ko mara, और उसी के साथ साथ ऑब्वियसली अगर आप नहीं जीतते हैं तो एनी वन ऑफ दीज सीरीज आई फील इफ यू लूज पर्टिकुलर द रेड बॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यकीनन कप्तानी में तब्दीली होगी, और आई वुड से इवन इफ लाइक इफ शान डजंट विन दिस बांग्लादेश सीरीज कन्विंसिंगली वहीं से सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, प्रेशर शुरू हो जाएगा। जो मुझे में सड़ रही है कि फिर फ्लिप साइड पे यही होता है कि इन्हीं किस्म के मैचेस पे रन्स बना के आपके यू नो वो देखा फास्टेस्ट 100 स्कोर्ड बिफोर आफ्टरनून एट कदाफी ऑन अ वेडनेसडे बाबर ने किया कोई और नहीं कर सकता, लाइक यू नो कि दिस लाइक आई एम बीइंग अनफेयर, मैं पूरी तरह इस बात का एतराफ करूंगा, आई एम बीइंग अनफेयर, बट वही है कि लाइक
यू नो पीपल लाइक मी, इफ इफ अगर वो रन बनाते तो हम कहेंगे, मैं तो एटलीस्ट कहूंगा यार व्हाट डज इट मैटर, इजी रन ब्ला ब्ला ब्ला. एंड या इफ दे लूज देन ऑब्वियसली ऑल हेल ब्रेक्स लूज. और सो दीज टू थिंग्स आई थिंक वैसे ही बट्टा फास्ट हम 100 दफा गुफ्तगू कर चुके हैं. सो वी कम टू But I think, you know what, even to your point about scoring easy runs and Babar scoring runs and stuff, I think it's an important season for him because he's had like his first prolonged kind of blip over the last, you know, 2023 has not been a great year for him. And 2024 has not been a great year for him either. 2023, like not from the start very much, but like the last 18 months or so, he's kind of slipped behind, you know, the heights that he was hitting as a batter before. Jahan wo tha, he slipped. And I think this season is actually important for him in red ball because, you know, tests aapke tough honge. Bangladesh will come out with like a couple of left-arm spinners, and Babar, you know, against left-arm spinners in test matches, he does play across, gets stuck. England will be without Anderson, but, you know, they'll have a decent attack still. Then South Africa, which is where he, you know, uski jo test uska breakthrough ek sabse shuru mein jo tha, wo South Africa mein Dale Steyn ko jo usne mare the runs. You know, so it's actually an important season for him, something to look forward to, for him to actually get back to being talked of as among the world's, you know, best, forget formats, but just among the world's best batters. Uske liye ye important season hai. The other, and I think you wanted to move on to this, was that obviously Naseem is back in test matches. And Shaheen ka kya scene hai? I like, rumors aate rehte hain Shaheen. शाहीन नसीम वगैरह पे आते हैं, अगर हम बाबर पे ही थोड़ी देर रुके, और अगर ये होता है कि साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी पाकिस्तानी परफॉर्म, पाकिस्तान एज ए टीम परफॉर्म कर रही है, दैट वुड बी अमेजिंग. आई वुड रियली लव टू सी दैट. मतलब ये सीरीज का सुनते ही आई हैड विजन्स ऑफ लाइक यू नो अंडर 70 ऑल आउट इन बोथ इन टाइप ऑफ जैनसन टेकिंग लाइक 11 wickets in the test kind of vibes. And yeah, like I feel also we have been away from the test side for a while. After Australia mein hamari series thi, if I'm not wrong, right? So yeah, and that's the problem with teams like Pakistan. Unka yehi hota hai na ki wo khelte hain test aur phir 8 mahine ka gap hota hai, and then they come back to, like West Indies exactly going through the same thing. Yeah, Craig Brathwaite is complaining that yaar main 6 महीने के बाद टेस्ट खेलता हूँ, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू लाइक बी इन टेस्ट फॉर्म इफ आई डोंट प्ले दिस फॉर्मेट फॉर लाइक 6 मंथ्स ओर व्हाटएवर, यू नो. सो दैट्स एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम. या एंड आई थिंक मतलब यहाँ पे अब मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट जस्ट दैट ओ द एडमिनिस्ट्रेटर्स आर टेरिबल और व्हाटएवर. द रियलिटी इज कि क्रिकेट कैन ओनली बी प्लेड इन सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, और वो टाइम ऑफ द ईयर, वो सीजन मुख्तलिफ मुल्क में मुख्तलिफ टाइम पे आता है, एंड वैसी भी कोई एफर्ट नहीं हुई है कि इसको आप किसी तरीके से नॉर्मलाइज करें. तो और जब आपका छोटा बोर्ड है, छोटी टीम है, तो वही कि यू नो जो आपके जो भी टेस्ट प्लेयर्स हैं, आपने 2 टेस्ट खेले, फिर आप 6-8 महीने वेट करेंगे, फिर आप 2-3 और टेस्ट खेलेंगे, फिर आप वेट करेंगे. एंड दैट्स बेसिकली पाकिस्तान टेस्ट टीम के एक तरीके में, ठीक है, यू नो क्रेडिट टू शान के इतने कम टाइम में उसने एक शनाख्त बना ली अपनी कप्तानी की और किस तरीके से अपनी टीम को खिलाना चाहता है. बट यहीं पे भी इतने सारे you know, again, banana peel situations. Another one is that like, you have a new coaching staff coming in, you have multiple, you know, 2 captains that they're dealing with, you've got the chairman who's very hungry ki main kuch dikhaun ki ji maine bahut badi koi cheez ki hai. Aur toxic tha ki ye 2 lagatar world cup hue to us pe, हाँ, एक तो आस्तीनें उतार रहे हैं अपनी, पर दूसरी के साथ साथ ये 2 वर्ल्ड कप्स की वजह से आपको ये बहुत ही टॉक्सिक डिबेट शुरू हो गई कि जैसे कि पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट जो है वो यू नो अब्बासिद एम्पायर की पीक जो बगदाद में थी, उसमें जितनी नॉलेज और क्राफ्ट थी वो पाकिस्तानी डोमेस्टिक सीन में, कि बस आप तुनते जाए अपने खिलाड़ियों को डोमेस्टिक में. अच्छा ठीक है, चलो आप खिलाए उन्हें डोमेस्टिक, बड़े जबरदस्त बन जाएंगे. आप कहाँ कहाँ से आप चीजें उठाएं, एक तरह से रनिंग क्लास जो बड़े आजकल आप एक्सक्यूटर बड़ी की तारीफ करेंगे, बड़ा पैसा डाल रहे हैं, रनिंग क्लास मेड देयर ओन सन प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आई थिंक मे बी आर कैप्टन और डेफिनेटली पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्लास टीम, दैट्स अ लेवल ऑफ फर्स्ट क्लास राइट नाउ.
उसके ऊपर कि आप ये 10 करोड़ मैचेस खेल रहे हैं, बट उसी के साथ साथ आप यू विल ऑल्सो बी यू हैव दिस एज यू कीप कॉलिंग इट द शैडो डोमेस्टिक सीजन, विच इज मतलब कि आपने ये भी नहीं कहा कि जो चल रहा है उसे रोक दिया है, विच वॉज नहीं ऑलरेडी लाइक एक्सट्रीमली लेंथी एंड एक्सट्रीमली लाइक अनइक्वल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. उसके ऊपर मतलब पता नहीं कैसे होगा कि एक और तीन यू नो टूर्नामेंट चलेगा, एंड देन दिस पैरेलल स्ट्रक्चर विल समहाउ आल्सो हैव टू अकोमोडेट द पीएसएल. और जैसा कि हम इस पहले किस्त पे बात कर चुके हैं कि आपके पिछले 3 लगातार चेयरमैन जो आए हैं बिन वेरी एक्टिवली ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट कैनिबलाइजेस द पीएसएल, एंड द ओनली रीजन वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका नाम आ सके कि देखें जी रमीज राजे ने पीजीएल निकाली, देखें जी मोहसिन नकवी ने ये व्हाटएवर पेंटेंगुलर प्रेसिडेंट नेम दिल कम अप विद ये निकाला. और इस पे मतलब के यू नो आई फील एट वन लेवल ऑब्वियसली पीसीबी के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी रही है कि यू नो द चिप्स हैव फॉलन दिस वे, और उस वजह से आपके पास कोई चेक्स एंड बैलेंसेस भी नहीं है जो कॉल आउट कर सकें कि यार ओके मे बी वी शुडंट बी गोइंग डाउन दिस वे. एंड देन सेकेंडली एज आई सेड लाइक यूके टीम की परफॉर्मेंस बुरी रही है तो एक क्लैमर भी है कि समथिंग यू नीड टू शो, कुछ दिखाना है कि कुछ किया जा रहा है. तो क्या किया जा रहा है जी, अब एनओसी ब्लॉक कर दो लोगों की, भाई ओके श्योर लाइक व्हाट एल्स आर यू प्लानिंग टू डू, गोइंग लॉन्च अ न्यू डोमेस्टिक सिस्टम लाइक चार टूर्नामेंट डाल दो, या व्हाई इट्स मोर इट्स क्वालिटी, मोर क्वालिटी, मोर टूर्नामेंट्स, फिल अप द कैलेंडर. आई मीन वन ऑफ द रीजन ये लोग कर रहे हैं, ये न्यू टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हैं, इज बिकॉज इनके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं आईसीसी से, एंड दे नीड टू स्पेंड दैट मनी समवेयर. तो वो तो स्टेडियम अपग्रेड भी चल रहे हैं, और फिर इतने पैसे हैं यार, थोड़े से पैसे आप प्लेयर्स को दे दो, उन्हें खुश कर दो. ना सिर्फ कि आप उनके उनकी आप लीग अपॉर्चुनिटीज खत्म कर रहे हो, बट लाइक यू नो देर स्टिल नॉट अमंग द बेस्ट पेड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, एनीवेयर नियर. देर अमंग इन फैक्ट द लोएस्ट पेड प्लेयर्स. उन्हें यू नो पाकिस्तानी रुपी में अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन यू नो द वैल्यू ऑफ द रुपी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान इज नथिंग, इज प्लमिटिंग. सो एनी वे यू नो वी या इससे गो ऑन. उससे मुझे और चीज का ख्याल आ रहा था कि अभी द लीग ये टोरंटो सॉरी कनाडा G20 लीग जिन्होंने एनओसी नहीं भेजे प्लेयर्स को, दैट व्हेन आई वाज लुकिंग एट द रोस्टर्स देयर एंड समथिंग स्ट्रक मी व्हिच इज कि ऑब्वियसली इंडिया तो अलाउ नहीं करता अपने खिलाड़ियों को किसी और लीग में खेलने के हाँ, लिए, एंड एटलीस्ट फॉर द टॉप इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स देयर बोर्ड्स लाइक देयर स्टेटेड एम इसके आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको इतना पैसा दे रहे हैं कि उन्हें जरूरत फील नहीं हो रही कि हम कोई और लीग खेलें, और अगर खेलेंगे तो ज्यादा ज्यादा आईपीएल खेल लेंगे जिसकी आईपीएल विंडो में में और उनको काफी पैसे भी मिलते हैं. तो बाकी जो लीगें बचती हैं उस पे यू विल गेट आउट ऑफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया यू टेंड टू गेट आइदर जो उनके बिल्कुल इमर्जिंग खिलाड़ी हैं जो अभी तक नेशनल टीम में शायद एक दो मैचेस खेले हैं या नहीं खेले, या फिर जो अब नेशनल टीम से बाहर निकलने लगे हैं कि मे बी एक फॉर्मेट में खेल लेते हैं मगर उनको एक एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर की हैसियत नहीं है. यू सो दैट्स ऑल योर बिग 3 स्टार्स आउट, देन व्हाट्स लेफ्ट इज बेसिकली द बिग नेम्स इन लाइक न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान. और जो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के मिला के भी क्रिकेट इकोनॉमीज एंड क्रिकेट फॉलोइंग पाकिस्तान के बराबर की नहीं है, राइट? वेदर यू लुकिंग एट द पीएसएल वेदर यू लुकिंग एट एनी ऑफ द अदर लीग्स लाइक यू नो के एट दिस पॉइंट अभी वही के कनाडा में एक दफा शाहीन नहीं आ रहा, बाबर नहीं आ रहा, लाइक जस्ट द फेस ऑफ दैट लीग चेंज बिकॉज वहां ऑब्वियसली इज अ ह्यूज पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानीज अटेंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉट मे बी मैं ये नहीं कह रहा क्वालिटी में सबसे बेहतरीन है, बट इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर रनिंग अ फ्रेंचाइज इन टर्म्स ऑफ लाइक एंगेजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप एंड फैंस प्रॉबली रिप्रेजेंट द बेस्ट वैल्यू ऑन द मार्केट आउटसाइड ऑफ आईपीएल. और ये एक रियालिटी है जो पीसीबी को समझनी पड़ेगी. अब उनका ये ख्याल है कि जी सबकी परमिशन बंद कर दो, सबके पैसे भी नहीं बढ़ाओ, एज यू जस्ट सेड राइट लाइक दे आर नॉट शेयरिंग द आईसीसी मनी दैट दे आर गेटिंग, दे आर एक्चुअली कटिंग डाउन लाइक यू नो एक एक फीलिंग है कि प्लेयर्स को पनिश करना चाहिए और पनिश ऐसा करना चाहिए कि उनकी रेवेन्यू जनरेशन आप कम कर दें. ऑलरेडी समथिंग दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कोर्स इज के प्लेयर्स
पिछले दो दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत बड़ा फड्डा होने वाला था, एंड इट डिडंट हैपन. दिस इज समथिंग दैट प्लेयर्स आर एक्यूटली अवेयर ऑफ. द नेक्स्ट जनरेशन कमिंग इन, वंस दीज अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, यू नो, मतलब पीसीबी इज नॉट गोइंग टू हैव एज मच लेवरेज एज इट बिलीव्स इट हैज राइट नाउ. यू नो, अभी को आप ठीक है बैन कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम. बट आगे जाके जो एटलीस्ट अभी दिखाई दे रहा है जिसमें मार्केट वैल्यू होगी, लाइक इफ यू प्ले फॉर पाकिस्तान फॉर कपल ऑफ इयर्स, और इवन यू प्ले पीएसएल, फॉरगेट पाकिस्तान, एंड यू डू वेल, यू कैन ऑस्टेंसिबली रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. और अब लोग करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, एंड वी हैव स्पोकन अबाउट, यू नो, फॉर पर्टिकुलरली द बैकग्राउंड क्लास वाइज और पोलिटिकली जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, तो उनके लिए तब भी एक बड़ी मायने रखती है पाकिस्तान के लिए खेलना. तो आई डोंट वांट टू से कि एकदम से सब छोड़ने लगेंगे जो कुछ भी. पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश में एक प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्न डाउन करना is a very different proposition. That's like you're betraying the nation if you turn down a center. Whereas if you do a central, if you turn it down in England, Australia, you're turning down a job opportunity. But I was saying, Imran, Usman, ke Amir abhi khel raha hai isi wali league mein, Canada wali. And you know, part of me is thinking like, man, Amir at one point obviously was the closest I felt of like a second Wasim coming, right? Like, left arm exciting, blah 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 blah. Amir has left Pakistan cricket, and yes, the Amir that returned was nowhere near the Amir that was, but Amir is still a really big name. Amir in Pakistan cricket puri tarah chhod di. Imad Wasim, less of a big name, but Imad Wasim left it. Obviously, they were brought back, you know. But what I'm saying is, you know, like that first line of cricketers jin pe ilanat malamat hoti hai, aur unko bhi wapis le aaye. I feel that उससे precedent set हो गया कि भाई ठीक है थोड़ी बहुत गालियां पड़ेंगी मगर पैसे बनते रहेंगे और एक दो साल में खुद वापस आ जाएंगे. और ये एक बड़ा खतरनाक, I think, precedent है. खतरनाक from PCB की जो वो है, I think it's a good PCB के the other dangerous precedent, ये जो this recent spate of NOCs जो reject हुए हैं, उसामा मीर का, नसीम का 100 में, तीन player GT20 में, the other dangerous precedent the PCB are setting, aur ye log baat kar rahe hain iske bare mein, like agents and leagues and all, they're talking about this, is that it is an absolute nightmare relying on a Pakistani player to turn up or even approaching a Pakistani player now, because you just, you know, a franchise approach karti hai to player aur player ka agent kehta hai ki ha isme is window mein main khel sakta hu because hamare international matches nahi hai, koi camp bhi nahi hai, to I can play, aur maine, you know, I'm fulfilling my NOC criteria ki PSL plus 2 अलाउड है मुझे, मैं खेल सकता हूँ. आप अपना नाम ड्राफ्ट में डाल देते हैं या यू साइन द डील, और फिर लोवरो या आ जाते हैं, मोहसिन नकवी टाइप्स आ जाते हैं, कोई और आ जाता है, कहता है कि नहीं आप यूएसए से हारे हैं तो मैं आपके सब एनओसी हटा रहा हूँ, कोई नहीं खेल सकता. एंड सो दीज एजेंट्स एंड दीज फ्रेंचाइजेस आर लाइक, यार व्हाट द हेल, हमने अपनी टीम स्ट्रेटजी बनाई थी इस प्लेयर के साथ, अब वो प्लेयर हमारे पास नहीं आएगा. सो एक ये डेंजरस प्रेसिडेंट है जो मेकिंग देम ऑलरेडी पाकिस्तानी प्लेयर्स मिस आउट ऑन द आईपीएल. You're now making them triply unpopular in other places and a risk. And two, the other basic thing is, ye calculations maine kari hain kuch aur log ke saath who are in the know. Ek agar decent Pakistani player, huh, who's played for Pakistan, who's played T20 cricket, who is a T20 specialist maybe, wo agar do league khel le saal mein aur PSL khel le. हाँ, प्रीटी मच एनी, यू टेक द CPL, यू टेक द IL T20, यू टेक द 100, दो लीग खेल ले PSL के साथ, ही इज अर्निंग लाइक ट्वाइस व्हाट ही वुड बी अर्निंग एज अ पाकिस्तानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट विद 100 टाइम्स लेस द हैसल. व्हाई अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट, यू नो, यहां पे आपको फिर कहेंगे कि यार आपने बिट्रे करा है मुल्क को, कैसे आप छोड़ सकते सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट. व्हाई अपार्ट फ्रॉम दैट वुड एनी पाकिस्तानी प्लेयर एक्चुअली वॉन्ट टू बी एन एक्सप्लोइटेड स्लेव वर्कर फॉर द PCB. सो अब मैं यही बात करने लगा था कि अभी बिल्कुल 100% आज ही देयर वाज वन ऑफ द ओनर्स सेइंग के, यू नो, दिस इज सेट, लाइक ही सेड इट ऑन रिकॉर्ड के नाउ ऑल द फ्रेंचाइजेस आर वेरी वेरी ऑफ साइनिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स. और उसके फिर दो ही नतीजे हो सकते हैं ना, कि एक तरफ या तो फिर फ्रेंचाइजेस कहें कि भाई ठीक है पाकिस्तानी को साइन ही ना करो आप,
बट क्योंकि पाकिस्तान में सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी प्लेयर्स इतना ज्यादा है, और ऑब्वियसली आपका सिर्फ 11 से यू नो व्हाटएवर तीन फॉर्मेट्स हैं, 20-25 सीट्स आप जो 30 थ्योरेटिकली 33 प्लेसेस हैं राइट, बट स्टिल यू हैव अ लॉट मोर प्लेयर्स आउट देयर. और अगर यही चलता रहेगा कि आपको नहीं मौके मिल रहे हैं, देन द फैक्ट दैट यू ऑलरेडी हैव बिग नेम्स हु टेकन प्रीमैच्योर रिटायरमेंट्स इज ग्रेट. मतलब कि वो आपको पता है कि यार ये पहले भी हो चुका है. और ठीक है, जैसे कि अगर बाबर और शाहीन और रिजवान शादाब ऐसे नाम और इनके लेवल के मुस्तकबिल में खिलाड़ी अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं, श्योर दे विल गेट अ लॉट ऑफ फ्लैक. हाउ मच फ्लैक वुड एन उसामा मीर गेट, हाउ मच फ्लैक डिड अ जफर गौहर गेट राइट. और ये आपका जो क्रॉप प्लेयर्स के हैं, यू आर एक्टिवली डिस्ट्रॉइंग इनके करियर. मतलब उसामा मीर को क्या जरूरत थी आपको इसके एनओसी चेक करने की? लाइक ओनली फायदा था कि अगर आप उसको चाहते हैं एक वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हो, तो वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के खिलाफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैचेस खेल रहा है. What, at a time when like there's nothing happening in Pakistan cricket, like literally what, nothing. What sense does it make? So, वहाँ पे if I'm a Pakistani cricketer, an agent or whatever, like you know, I'll be thinking about the fact that यार ये ठीक है, you know, maybe ये पंचायत थोड़ी कम हो, maybe the, like a way going about it is that you say you have an injury and you need surgery, you're out for 6 months, you announce a tearful post retiring, and then in the next draft you're here. Move on with your life. Always kiss the Pakistan badge or some stupid shit like that. Logo. मतलब आज मैं एक बड़ा this friend of mine Amna Chaudhary writes a newsletter and she in this उसने एक lecture किया था कुछ students को at Lums about writing feminist characters and उसमें she mentions there's this really fun movie और उस movie में रात के वक्त लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं पाकिस्तान में रात के वक्त कि वो cricket खेलने जाए and the movie kind of justifies कि the girls is the protagonist है, तो वो चाह रहे हैं कि भाई आप उनको जज ना करें. तो वो जब रात को निकलते हैं बाइक्स पे क्रिकेट खेलने के लिए, सो दे ऑल हैव पाकिस्तान फ्लैग्स और वो पाकिस्तान का फ्लैग हिलाए जा रहे हैं. एंड सो यू नो आमना रोट अबाउट द फैक्ट कि बेसिकली वही स्टेट जो इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है, कोई आजादी नहीं देती है, उसी की वो दिखाना चाह रहे हैं मूवी में कि इसी की वजह से हमें ये आजादी मिल रही है एंड वी लव इट सो मच. दैट सॉर्ट ऑफ सिनिसिज्म आई एम श्योर लाइक यू नो a player can also pull off ki mujhe to khelna hai pakistan ke liye magar maybe I don't know was the messaging in the film a bit more cynical in that's the only way they could have like the girls know okay. The messaging was not cynical, the film was cynical ke oh look if all you do is be a sharif patriot then why not be on the street. So it definitely was wo but yeah and by the way the last point I guess from me on this is that aap ye sab kar rahe hain वैसे ही आप NOC you know unka value aap kam kar rahe hain Pakistani players ka, aap NOC nahi de rahe hain unhe, ye sab kuch kar rahe hain aap aur actively jo aapka ek product hai jisse paise bante hain aur acche milte hain use bhi aap devalue kar rahe hain. To yani aap like I fail to understand ki aap kis sadi mein jana cha rahe hain. You know everyone is moving towards like the 22nd century. Right, we're gradually like moving forward and ahead, and Pakistan somehow are trying to go back to like 1960s. Mein rectangular hum khelenge aur hum kam paise denge, hum 15 rupaye denge din ke test matches ke liye aur bas they should love playing the you know duty hai wo aap national duty pe hai to aap ye kare. Is tarah ki you know bekhufana thinking soch harkatein is just like if we go on any further on this my head is going to explode because it's just The last one is के मोहसिन नकवी खुद एनओसी नहीं दे रहे और अपनी तरफ से एनओसी लेके बैठे हुए कि व्हाइल आई एम मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर मैं क्रिकेट बोर्ड भी चलाऊंगा. भाई इनकी एनओसी तो रोके को, ये तो दो दो लीग्स खेल रहे एक साथ एक वक्त में. वो he's minister interior minister is he a senator did that happen no he didn't become a senator acha so he's a senator he's PCB chairman and he's now the chair of the Asian Cricket Council. यार दिन में इतने घंटे नहीं है जितने उनके रोल है. और ये इनके पाकिस्तान का इंटीरियर तो चलो पाकिस्तान का जैसे इवन इकोनॉमिक्स मिनिस्टर होता ना मैं कहता ठीक है यार क्या इसके आने या होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है. दिस इज लिटरली I mean, I'm just joking. All of these. Yeah, no. Now, मुझे गुस्सा आ गया. वैसे अब मुझे गुस्सा आ गया. मैं ये तो बोलूँगा कि मेरी बात हो रही थी पिछले हफ्ते में मैं ICC की stories
कर रहा था क्रिकेट वो के लिए, उसमें थोड़ी सी रिसर्च करनी थी, बहुत सारे लोगों से बात हुई, आईसीसी मेंबर से बात हुई, और ये मैं अब खुल के बोलूंगा, एक आईसीसी डायरेक्टर से मेरी बात हुई, तो उसने मुझसे पूछा कि यार उससे मेरी पुरानी बात है, तो नॉट पाकिस्तानी, लाइक नॉट 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 देसी एट ऑल, उससे मेरी बात हुई, उससे पूछा कि यार ये मोहसिन नकवी का क्या सीन है, लाइक what do you know about him? I said, look, I know very little about him. I know that, you know, dear minister, very close to the establishment. That's why he's there essentially. I don't know. He strikes me. And I said this, that he strikes me as the kind of guy who wants to be seen to be doing a lot, but maybe sometimes isn't actually doing that much. So I told him about that picture, which is standing on Gaddafi Stadium, sleeves rolled up, oh, look, I'm seeing destruction and all this. So he says, yeah, you know, this thing you have said, बारबेडोस में फाइनल के जमाने में, अभी जो वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था, उसमें सब मेंबर्स के डायरेक्टर जो हैं, लाइक ऑल बोर्ड हेड्स वर इनवाइटेड टू वॉच द फाइनल, तो इन्हें तो मौका चाहिए कोई फॉरेन ट्रिप का, तो ये फॉरेन पहुंच गए, फॉरेन मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर, ये फॉरेन पहुंच गए बारबेडोस वेयर ऑल द अदर मेंबर्स वर, एंड ही सेड के यू नो दो दिन थे चेयरमैन के पास और सब चेयरमैन के पास, एंड यू यूज इट यूजली एज एन ओकेजन टू नेटवर्क, एंड यू नो like you try and meet other board heads, and because ye ek itna ahem saal aa raha hai Pakistan ka, champions trophy ka sawal hai, you expect ke yaar chalo he's going to start talking to maybe Jay Shah, he's going to start talking to other boards, England and Australia, to try and like kind of you know build a movement ke yaar chalo Pakistan aana hai sabko, champions trophy yahi honi, whatever, like just do some damn networking, right? To wo kehta hai ki aaya isne do tasveerein khichwai aur though, and he didn't tell me who the board directors were, but he had two pictures taken with his personal photographer, shaking hands, you know, typical like this, with two other like ICC big ups, aur phir do din ghaib. Okay, uske baad ke hame nazar hi nahi aaya, phir uske baad kahan tha, tha to wo wahi, magar kahin na wo meeting mein nazar aaya, na kisi se baat cheet kar raha tha. So, and the guy who told me this, like, you know, I've known him for so long, he's not going to lie about this. He was genuinely like trying to, he was trying to do his intelligence, ke bhai ye kaun hai, you know, what is Mohsin Naqvi all about, and I was like, well, this is what I know about him, and he's like, well, this is what I saw about him, he's not lying, so this is the level ki ye bas gaye wahan, and instead of like, you know, trying to meet people actively and trying to like meet chairman, other board heads, and trying to like build a relationship with them, he had a couple of photo ops, and he's like, khudafis, main mazay karne ja raha hu, so that, I had to bring it out, I don't usually do this stuff, but like, I'm just extremely, extremely annoyed with the way this board is being run. It's just an absolute damn shambles. We are behind Sri Lanka and Bangladesh in the way we are being run as a board right now. Bangladesh mein to waisi itni upheaval aur turmoil chal rahi hai aur uske bawajood bhi, aur I think ye badi ahem cheez hai, I'm really glad you shared it, because kuch hi mahino mein jab Champions Trophy nahi hogi Pakistan mein ya koi bahut hi unsatisfying formula aaya jayega ki ji you know sare associate matches Pakistan mein khel le aur phir Dubai le jaye ya falana kare dhamkana kare, aur us waqt phir sabki you know sabki jalegi sab sadenge aur sab galiyan denge victory aur ye aur wo, aur wahan pe I'm sure there'll be some grandstanding aur humne to apni taraf se sab koshish ki sab kiya ye kya wo kya, and it's in this basically grandstanding karna aur yahi, not just this chairman, like the last three have just been grandstanding, and it's a great example of it ki jahan aapke paas actual mauka tha kuch fark karne ka, right? Like cricket mein ye theek hai, ye baat aapne hai ki India nahi aa raha, but agar aap India ko push kare corner mein, if you, as you just said, like if you get maybe England and Australia to be like, yeah, you know, we should consider, koi statement aa jaye baakiyon ki taraf se, koi solidarity aa jaye, MOU, whatever, something non-binding, but anything that shows ke bhai hamare bhi koi leverage hai, hamari links ban rahe hain, right? Aur aapne matlab ke you know, I've criticized Ramiz Raja a lot on this podcast, like that was one of the things you could see jab England New Zealand ne withdraw kiya tha, obviously koi fayda nahi hua, but Ramiz Raja immediately started using his contacts and networks to get stuff out there, Mike Atherton immediately came out and ye wo, aur wo वहां पे आपको मतलब ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके एक एक्स क्रिकेटर, क्रिकेट इनसाइडर वगैरह, यू कैन हैव अ न्यू पर्सन इन, बट समबडी हु अंडरस्टैंड्स एटलीस्ट कि यार इस तरीके से आईसीसी चल रहा है और हमें अगर कुछ करना है तो हमें यही करने की कोशिश करनी पड़ेगी,
And if you can say, okay, look, my country spent millions of dollars on infrastructure, we've got these commitments, then we cannot promise those commitments, or we'll take you to court, we'll take you to arbitration. Try anything, man. Like, I for maybe because ye baat hai ki kuch supporter kahe ki Usman ko kya pata wo peeche planning karta, but these are the kind of things you need to be making statements on, because Pakistan ko zarurat hai pressure dalne ki ki theek hai aake, at the very least you need to force India to come out and say ki why aren't we coming this time, and how will this be, whatever our excuses, how will that be sustainable in the future, because you can't set this precedent then come out and say you refuse to play Pakistan, right? So that's the only hope the PCB has. Varna aap chup chap karke thappad kha le aur ghar chale jaye, wo bhi ho sakta hai. Aur Asia Cup mein jitna shor machaya tha Zaka sahab ne, he was out of his depth, and the Asia Cup and how it was handled was a complete reflection of that. So yahan pe jab abhi waqt hai kuch karne ka, aur jo sabse acha aapko mauka mila tha World Cup ke dauran kuch karne ka, wo to aapne jaane diya. तो आगे क्या करते हैं, that's why I feel it's so frustrating when fans are like applauding, अच्छा किया NOCs नहीं दिए, domestic खिलाने ये वो, and stupidity. Fans are not stupidity. It's I'm gonna call it out for what it is. It's stupidity. It's backward regressive thinking, and you're not gonna get anywhere in the world with the kind of thinking that's currently being exhibited by the board chairman, and maybe a lot of fans as well who think this way. It's just stupidity. This is, the calendar is changing, the landscape of the game is changing. You've got to keep up with it. Otherwise, you're going to be gone. You're literally, like, maine kabhi pehle nahi socha hai zindagi mein. Kitne sports humne dekhe hain yaar, and you and I both have been around, I guess, a long time now. But I have never seriously thought ke cricket would go the way of other sports in Pakistan. Because it can't, it's too big to fail and all that kind of thing. Maine hamesha socha hai cricket ke bare mein, magar कभी कभी मुझे इस एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो जनरल ग्रेजुअल लेवल ऑफ डिटेरिएशन चल रहा है ना, उससे ये लगता है कि यार यू विल ऑलवेज बी लाइक द 11th बेस्ट कंट्री इन द क्रिकेट वर्ल्ड, बिकॉज देयर इज ओनली 11 कंट्रीज और 12 कंट्रीज प्ले, यानी ये हाल हो जाएगा और आप खेलते रहेंगे बट यू आर नॉट गोना गेट एनीवेयर, बिकॉज लिटरली एवरीथिंग दैट यू कैन मेक अ डिसीजन रॉन्ग ऑन, देयर डूइंग दैट राइट नाउ. लिटरली हर चीज पे, कोई ऐसा एक चीज नहीं है जिसपे ये लोग सही डिसीजन ले रहे हैं. Wait, so you're saying that from the time of the Mumbai attacks, Sri Lankan terrorist attack, spot fixing, moving to UAE, us waqt nahi lag raha tha ki Pakistan cricket, because main sirf ye keh raha hu, us waqt nahi lag raha tha, you know why, because there was always people around, even Ijaz Bhatt had people around him who knew how to operate and work with the international cricket community. Us waqt bhi Pakistan mein bhi jab bhi hua tha attacks, jo bhi hue the na, people immediately were like ki yaar Pakistan ko, we will not allow Pakistan to fall, we will try and help them, task force set up ho gaya, ye sab ho gaya. Ab jo cricket mein, international cricket mein mahol hai, international cricket is the second standard game anyway compared to like the real game, which is the elite T20 leagues. To aapko koi nahi Pakistan task force banayega. Ab agar aapke sath koi hadsa hota hai na, koi nahi banayega. India agar nahi aayega aapke paas, nobody's going to give a crap. Literally nobody's going to give a crap apart from yourself. But main ye kehne laga tha ki ek to mujhe us waqt laga tha, aur phir jab se PSL aayi thi, that to me was like, okay, ab aapke paas ek aisi cheez hai ki kal ko agar international cricket bhi khatam ho jaye, agar aapko ban kar diya jaye, ya India kahe ki ji ye terrorist hai, jo kuch bhi hai, farz kare international players bhi na aa sake, aapke paas tab bhi theoretically you can, with like half decent marketing and management, you can sell the Pakistani players only PSL. Like, maybe you couldn't launch one, but now that it's been there for 9-10 years, ab agar kisi bhi wajah se, which is extremely unlikely, but agar ye hota bhi hai to aap tab bhi chala sakte ho kyunki wo brands bane. So for me, jo mujhe sabse zyada pareshani is era ki yahi ho rahi hai ki ek to, as you pointed out, ki aapko duniya cricket ki kahan ja rahi hai uska na hi koi andaaza hai, na hi koi soch aur fikr hai us taraf. बट उसके साथ साथ क्या आपने एक चीज जो बनाई थी, मतलब 75 years Pakistan's had domestic cricket, right? All of these, none of them have ever been popular. Forget के वो commercially viable थे या नहीं थे, मकबूल तक नहीं थे कि कौन जाके देख रहा था whites versus PNSC final or whatever the hell, right? Like that's, they've never managed this in 75 years.
I don't want to praise the people who pulled it off too much. Obviously, दुनिया में एक leagues का concept आ गया था, one of the last state to adopt it. मगर वो आपने एक दफा कर लिया, ये एक पहली दफा आपकी एक चीज चली जो कामयाब है. And like within 5 years of its launch or 6 years of its launch, like there are active efforts to destroy it. और एक दफा ये जाती है, like you then तो there's very little to work with, right? Like फिर उसके बाद आपके पास अगर आप यही समझ रहे हैं कि international cricket के जरिए आप players पे तड़ियां कराते रहेंगे, किससे खिलाएंगे आप? इंडिया का मूड वैसे अभी नहीं है आपसे खेलने का, वो थोड़ा और तड़ी कराएंगे तो आपको पूरा मतलब they could kick you out or whatever they want. That's the fact, right? And so for me, yeah, like this is now once again there's a concern for like where cricket goes. The place I'd like to see it go, मैं उस्मान को मैंने कब से वीडियो भेजी हुई है और एक किस्त हम इस पे पूरी डेडिकेट करेंगे, इस टेप बॉल क्रिकेट जो पाकिस्तान ही में इजाद हुई, पाकिस्तानी तबीयत के लिए बेहतरीन क्रिकेट का फॉर्मेट है. You know, it's just literally bouncers, yorkers, and sixes. There's nothing else that matters in that format. Or uski crazy cheez jo sabse zyada mehsoos ho raha hota hai, because all of us on this group, especially when you're working a match, rain delays are the worst. Like, it's one thing to experience it as a fan. To experience it as somebody working at that game, it's just death. It's absolute death. कि मतलब अब वो 1:30 बजे उन्होंने कहा है कि ठीक है जी, बारिश वारिश रुक गई है, धूप आ गई है, 1:30 से 1:45 तक बस ऐसे ही लोग वहां से वहां फिर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं है. Bro, make a call, man. And they waste 6-7 hours to say like, yeah, dude, we can't do it. कल रात 100 मीटर्स फाइनल औरतों का बारिश में हुआ है. और मैं ये कहने लगा था कि एक चलो आप बारिश इतनी भी गालियां, तो ये क्रिकेट की नेचर ही ऐसी है. दैट्स माय फेवरेट पार्ट अबाउट टेप बॉल क्रिकेट, कि टर्फ पे क्रिकेट खेलना एक इतना मुश्किल और इतना इलीट और इतना हार्ड टू एक्सेस काम है, इतना मुश्किल है. एंड वो तो है कि आपके यहाँ कोई और स्पोर्ट नहीं चलती तो वो तब भी चल गया ये निजाम, बट रियली टेप बॉल क्रिकेट, लाइक अनलेस इज अ कंप्लीट टोरेंशियल डाउनपोर, यू कैन प्ले इट लिटरली एनीवेयर. और उसी लिए इजाद भी उसी तरीके से हुई थी कि वो हर गली मोहल्ले मैदान कहीं भी आप खेल सकते हैं, यू डोंट नीड स्पेशलाइज्ड पिच एंड वगैरह फॉर दैट. और वो एक ऐसी मतलब यू नो लाइक अमेरिकन विद अमेरिकन फुटबॉल व्हाटएवर, कि पाकिस्तान जब ग्लोबल सुपर पावर बनेगा तो बस हम खुद ही आपस में खेल खेल के वर्ल्ड चैंपियन गुजरांवाला ग्लैडिएटर्स या व्हाटएवर. But like that to me is the hope, and because the big hope is also that it's run privately, yeah. So that the PC is not freaking involved. Like joke, मतलब मनोज तरीन इदारा. Yeah, but I mean, I'm not going to go into a long tape ball thing, but there's many problems in the way it's run. Sad to report कि जितनी factionalism tape ball में भी है ना, हाँ, जितनी factionalism पाकिस्तानी tape ball cricket में है ना. वो तो ऑब्वियसली इट्स अ कंप्लीटली एमेचर, राइट? लाइक व्हाट एल्स वुड यू एक्सपेक्ट? लाइक वो तो इट्स द वे इट्स ऑर्गेनाइज्ड एज वेल इज रेडी के एक सर्टेन टाइम में सर्टेन, जैसे कि शहरों में रमजान के वक्त होती है अक्सर जो कपास, यू नो वंस व्हीट इज कल्टीवेटेड, गांव में होती है वो. अब उसमें ये है कि आप वहां चले गए या वहां चले गए और किसी ने पैसे दिए वो नहीं किए, बट इट्स अ कंप्लीटली एमेचर थिंग, राइट? बट द फैक्ट ऑफ इट्स prominence, popularity, and how well like it's like unke jo matches hain, ab beshak usme kya ho raha hai, but wo clips hoti hain YouTube pe, there's huge crowds, huge packed crowds, there is huge those videos, the commentary, matlab wo ek Pakistani ya you know Urdu mein ho rahi, Punjabi mein ho rahi ya Pashto mein bhi maine suni hai, wo matlab it's un encumbered by all the bullshit of colonialism that cricket commentary has, right? Like it's total kya kehte hain ek desi expression hai, desi tabiyat ki expression hai. And so yeah, like obviously I'm not saying tape ball as it stands will do something, but what I'm saying, the point that I was trying to make is ke tape ball ho gaya, PSL ho gaya, ye kuch aisi cheeze hain jahan pe aap ki past potential hai to create something that is self-sustaining.
because international cricket mein Pakistan is not only so far excluded, but it's also has been run. Matlab, it's an impossible, it's a very, very difficult situation, and then it's being run by people who are not even like acknowledging ki ye situation difficult. They wo apni kisi duniya mein. Yeah, hum log ne shuru kahan se kara tha? Like, I'm looking at the list that I have, and we did Shan Masood, that was great, and we. One of the points was, will the PCB finally kill off the PSL? We've done that also. NOCs bhi humne kar liya. That's not bad. We've hit like 3 of the 19 topics or something that I had sent. But the other stuff, you know, we've still got like a little bit of time. And I was going to say that ek to Pakistan ki bowling, Naseem is back, which is going to be damn exciting because he's now the Pepsi pinup boy. You know, Naseem is coming back as the Pepsi pinup boy in your test matches. But Shaheen ka mujhe scene nahi samajh mein aa raha hai yaar. Shaheen, I feel like he's really bubbling over. Jo sunne mein aa raha hai na, like a lot of just like background reportage jo aa rahi hai, jo thodi bahut baatein ho rahi hain. He's really like, he's just itching to like to break away and like just prove a point, to do something, you know, maybe even like give up on test matches. That's like, you know, that's something that people have spoken about, ki he might not be wanting to play test matches for so long. And I just feel like बातें हमने बेसिकली, मुझे अभी भी याद है, हमने अपनी बट्टा फास्ट एपिसोड करी थी जिसपे हम दोनों ने कहा था कि वी आर कॉलिंग इट नाउ, द शाहीन ब्रेकअप इज हैपनिंग नाउ, ही इज बिकम अ स्टार, ही इज बिकम अ बिग स्टार, एंड नाउ ही इज गोना, दिस इज ऑल डाउनहिल फ्रॉम हियर. बट इट्स लाइक जस्ट, इट्स फ्रीकी यार, कि वही हो रहा है जो हमने उस वक्त कहा था. इट्स जस्ट, इट्स सो अनोइंग दैट वी आर इन दिस पोजिशन अगेन विद शाहीन, वेयर ही इज नॉट हैप्पी. ही इज योर बेस्ट और सेकेंड बेस्ट फास्ट बॉलर इन दैट साइड. All formats. He's a genuine, legit, like, you know, gonna be an all-time great type bowler. Ho jayega wo, yani seekh lega, jo bhi uski thodi bahut khamiyan hai, wo ho ke seekh jayega. And yet, here we are, where he's completely discontent with the game, with the PCB, or, I don't know, like, how the hell are we here again? Like, how many times? Is it like a koi genetic malfunction hota hai, thinking. I know why you're mystifying it so much. Like, because surely at one point they've got to get it right. Somebody has got to come through. Right? Why? Like, first of all, charge. Boy, baat ho rahi hai. Kab se aapka board chaos mein chal raha hai? Yehi matlab, jab se aapne Wasim Khan aur Mani ko nikala tha, there has not been any kind of, you know, they've been essentially successive coups since then. चेयरमैनशिप में, पहली बात. दूसरी बात के आई थिंक शाहीन्स कैप्टनसी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एथनिक टेंशन दैट हैज नॉट बिन पार्ट ऑफ लाइक पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम क्रिकेट पॉलिटिक्स एवर, एंड इवन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी इट कम्स एंड गोज, विच इज अ पंजाबी वर्सेज पश्तून काइंड ऑफ इशू. बीच में सबसे ज्यादा शोर उल्लू के पट्टे मुहाजिर बना रहे हैं, मगर लाइक देर इज अ वेरी लास्ट 6-7 years, this very active feeling amongst the Punjabi establishment ke, oh, ye dekho, ye Pathan aa rahe hain and they're stealing our jobs and positions and whatever. And you've seen dog whistle statements by just about every prominent ex-cricketer who all happen to be Punjabi. And you know, there's been, I think, like, Shaheen ends up becoming one of the faces of that. So, ek ye dusri layer hai. और तीसरी, अगर आप वो देखो कि उसके साथ हुआ क्या है, कि फर्स्ट ही गेट्स इंजर्ड एंड ही इज ट्रीटेड लाइक शिट ड्यूरिंग दैट टाइम. ही प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड विद लाइक परफॉर्मेंस इन द पीएसएल और द वर्ल्ड टी20 और नॉट सो मच इन टेस्ट मैचेस, बट यू नो एटलीस्ट पाकिस्तान की लेवल पे जो एक एक प्रीटी यू नो लाइक मे बी बाबर को ऐसे सर पे उठाते हैं जैसे वो विव रिचर्ड्स है, तो शाहीन कैन ऑल्सो जस्टिफाइबली क्लेम कि मुझे भी सर उठाना चाहिए. उसके बाद आपने, when he's in his head probably proven the point that he's now an all-rounder in the white ball game as he plays for his franchise, उसके बाद आप उसको कप्तान बनाते हैं और एक उल्लू की भट्टी सीरीज के बाद उसको हटा देते हैं कप्तानी से और पिछले कप्तान को वापस ले आते हैं, right? Like, I don't, like, yeah, like, and then obviously Shaheen, from what I've heard, also believes that his support for Imran Khan has played a part in how he has been treated. Right, so that's another layer. So you've got the Insafian layer, you've got the ethnic layer, and you've got just the absolute
And by the way, even if that's not true, even if that's not true, the very fact that he believes it, that makes it, that's like the self-fulfilling prophecy. Because the very fact that he believes it, you've allowed that situation to develop for him to believe that. We've heard that. I don't know if he believes it or not, but the way, as you're pointing out, I'm pretty sure he does. I'm pretty sure he does. That way, you know, like exactly. Then once that's inside his head, that's inside. That's true for, as far as he's concerned. So, yahan pe, matlab, I think the fact that Shaheen hasn't thrown a bigger shit fit at this point is credit to him. Is the win. Koi aur cheez ka pacer hota hai is point pe, to pata nahi, matlab, khoon, you know, katlo gharat ho chuki hogi. Yaar, aisa koi agar kisi aur mulk ke paas aisa pacer hota na, basically, un log ne usse itni achi, sahi, sorry, I'm just being distracted by the 100 meter final here. It'll only be like another couple of seconds. It is 9.78. There you go. You heard it first on Buttafast, which you will hear tomorrow. Ye agar tum aur bhi elite pacers dekh lo na, Bumrah ho gaya, Cummins ho gaya, Mitchell Stark ho gaya, Hazelwood ho gaya, England mein Mark Wood ho gaya. Koi bhi tum kisi bhi mulk mein tum elite pacer kisi ko dekh lo, South Africa mein dekh lo. Although South Africa mein Nokia ke saath unhone thodi si zyaati kari hai, lekin kahin bhi elite pacer dekh lo. They treat them like they're meant to be treated, like they're diamonds, and you need to look after them. Like, you really need to look after them properly, and you need to manage their workloads. Just by killing off and not giving them NOCs is not managing their workload. That you are actually just exploiting them. You threw him out into the wild. You did not. Aur dusra fasla theek hai, PCB bhi kyunki itna badalta rehta hai. So as far as Shaheen is concerned, this is what the board is doing. But as far as maybe the board is concerned, yaar ye to pichli unhone kiya tha, ya to usse pichle wale ne kiya tha, ya hamare upar kyun aaya ja raha hai. So, you know, in log ne bhi jhoot bola tha. In log ne statement nikal di thi jisme Shaheen had not said what he was supposed to. There was also that small bit of gaslighting, right? Ke we are putting words into your mouth that are saying that, oh, everything's fine, or main to Babar ko bahut support kar raha hu. And he had not said any of that. And he made it very clear that he had not said any of that, you know. So, agar aap is level pe aa gaye already, then, you know, you've kind of made your bed and bleeped yourself over it, you know. Ab, aur kya kar sakte hai? So, Shaheen, this season, going to be very interesting to see what he does, how he goes, where, like, you know, where his kind of, I have a feeling that situation, basically what I'm trying to say is that I have a feeling that situation is going to blow up in this season of all seasons, because it's such a busy season, itni cricket hai Pakistan ke liye, that I think it's going to blow up. And something's going to happen. I definitely think exactly. Itni zyada jab cricket hoti hai, agar aap bahut acha bhi khel rahe hote hain, to koi na koi fuzool controversy nikal ke, you know, particularly a board that is desperate to be seen as doing things. Wo yakeenan ki ji isko hata do, isko gira do, isko le aao, isko gurao, ye karo, wo karo. And honestly, abhi main phir soch raha tha ki, oh, you know, I'm not, so main ye bolunga, but main bilkul bhi discuss nahi karunga, or we'll just segue into good night, this show is over. But freaking Waqar Yunus is coming back into the coaching setup. Like, not coaching setup. Let's get that right. He is coming back in a Rob Key managing director of cricket. Oh, my bad. So yes. He's everything. Sorry, not even coaching. It's actually running. Running cricket. Amazing. So that is the perfect way to end this episode. Hopefully we'll have... Can I just at least before we sign off, can I go through the list of things that we were going to talk about? Oh man, I just read people comments. Come on. We were going to talk about Jason Gillespie as coach. We were going to talk about whether Faisal Akram is going to come through as a Pakistan spinning hope. He's the left-arm leggy, yaar. Come on, for God's sake. Playing for Shaheen. We were going to talk about Mohammad Huraira versus Saim Ayoub. I know tum dusre shows pe jaake Saim Ayoub ki badi baate karte ho aur wahan pe ye sab karte ho, magar theek hai. Baate ki hai, bhai. We were also going to talk about Rizwan versus Saifi in test matches. So maybe next time we'll talk about all these things. Who knows? Maybe we'll save this stuff for the next episode. We also discuss, like, maybe if Napoleon can play
for wicket keeper Pakistan as well. Like, if we're going to discuss every person who's way past their prime, like, I don't know. Watch out for our next episode, folks. Napoleon makes a surprise entry. Wicket keep for Pakistan, because might as well. Khair. I'm sorry, we had to do it. Troiwa, but that's it for me and Usman, and we'll hopefully have some cricket that we enjoy very soon. Till then, take care.